और हाँ, एक चीज़ घर से निकलते टाइम में ये 1 kg का ये भी लेकर आए हो अपने साथ, लेते टाइम में मुझे ऐसी भी आई थी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हर एक में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक को जितना चाहिए उतना मिलेगा, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे सुबह के 9:15। अभी जस्ट मैंने एडिटिंग खत्म की, वीडियो अपलोड किया वो होम टूर वाला, और ये लॉकडाउन ने सीरियसली मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि अगर कुछ सामान लेना होगा तो उसके लिए एक दिन पहले नंबर लगाना होता है। मुझे बहुत 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 खतरनाक वाली नींद आई है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ डी मार्ट हम लोगों के यहाँ पर, वहाँ पर कूपन लूंगा कल का, या तो डी मार्ट है या तो एक और मार्ट है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, डीमार्ट जैसा ही है। वहाँ पर टाइमिंग है सुबह 9 बजे के बाद ही है, सुबह 9 बजे के पहले, पर 9 बजे के आसपास ही है, उसके बाद नहीं मिलता है। 9:15 तो इधर ही हो गया, तो फटाफट अभी जाते हैं। सर ये तो है कभी, मेरी माँ बोल रही है गर्दी पर घुस मत, अब पता नहीं कितनी गर्दी होगी, कोई आइडिया नहीं है बॉस। अभी जस्ट मैं डीमार्ट गया था, और डीमार्ट के बाहर इतनी खतरनाक गर्दी लगी जना, नैनी बोल के 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, पुलिस भी खड़ी थी बाहर, 4-5 पुलिस थे और सब हैंडल कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से। बहुत ज्यादा एकदम डरावना टाइप माहौल लग रहा था उधर। तो मैं दूसरी जगह पर गया, मुझे अभी भी ये नाम भूल गया यार मैं फिर से। वहाँ पर मेरे को कूपन मिला कल दोपहर 3:10 से 3:15 का कूपन मिला है, उस टाइम के बीच में जाना है मुझे। और मैं सोचा कि चलो डीमार्ट में जाते हैं, डीमार्ट से कूपन ले लेंगे। लेकिन डीमार्ट की हालत तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रही थी मुझे। अभी घर पर जाते हैं, रेस्ट करते और दोबारा मिलते हैं, स्टे दे। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे और अभी उठा हूँ मैं, मतलब अभी नहीं उठा, 4:15 के आसपास उठा, नहाया धोया ब्रश किया, मस्त एकदम फ्रेश हो गया। और अभी 6 बजे की शिफ्ट है, 30 मिनट है मेरे पास, कुछ खाया नहीं मैंने, कुछ भी नहीं, ऐसे ही सो रहा था सुबह, बहुत ज़्यादा नींद आई थी। तो अभी ये है बिरयानी, मस्त गरम गरम बिरयानी। एक्चुअली ये रात को बनी थी, मेरे भाभी और भाई की शादी की सालगिरह थी। ताज़ी ताज़ी बिरयानी खाने से ज़्यादा मज़ा बासी बिरयानी खाने में आता है मुझे, तो मुझे बासी बिरयानी बहुत पसंद है। और केक भी है यहाँ पर रात की थोड़ी, अभी होगी थोड़ी सी पार्टी, फटाफट खाना बनाएंगे, केक खाएंगे और बाद में जाएंगे काम करने के लिए ऊपर। क्या बोलती तू? नहीं गेलं, ये यहाँ रायता, मला कम्प्युटर चालू करू दे, मग आरामशीर तुझी लई फोटो काढणार, लई 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 फोटो। अरे तू फोटोचं काय टेन्शन घेते, आपल्यापाशी व्हिडिओ आहे, व्हिडिओ फोटो फोटो कर रहे लोग इधर, दुनिया भर के व्हिडिओ बना लिए मैंने, के बच्चे लोग कभी भी देख सकते हैं, बुढ़े होने के बाद भी देख सकते हैं अपने व्हिडिओ, के कैसे थे हम लोग बचपन में, क्या करते थे, ये सारी इतनी सारी मेमोरीज क्रिएट कर ली है मैंने। बट कुछ बेवकूफ़ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो व्लॉग्स है, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ पैसे और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए बनाता हूँ, मतलब सिर्फ पैसे कमाने के लिए और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। 2 साल से यूट्यूब पे 2 लाख से ज़्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए है, पर मेरी अभी तक 1 रुपये की कमाई नहीं हुई। मेरी वाइफ और मेरी माँ मुझे बार बार पूछते हैं कि कब स्टार्ट होएगा पैसा, कब स्टार्ट होएगा पैसा। तो मैं बोलता हूँ जो ऊपर वाली इच्छा होगी तब स्टार्ट होएगा, अपना काम है वीडियो बनाना और अपलोड करना, होगा नहीं होगा टेंशन नहीं। सब्सक्राइबर एंड मनी है ज़रूरी, लेकिन सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है, बराबर अपनी इच्छा का भी तो कुछ मोल है ना। हमारी इच्छा है ये करने की, हम कर रहे हैं, बट जिन लोगों को काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसा ही करते हैं। क्योंकि कुछ लोग खुद तो कुछ करते नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं करते, बस बैठ के दूसरे के वीडियो पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं। अगर पैसा और सब्सक्राइबर प्रायोरिटी होती तो मैंने कब का यूट्यूब छोड़ दिया था, कब का अभी तक वीडियो नहीं बना रहा होता है ना कुछ। ये सारे मोमेंट्स जब बच्चे देखेंगे आज से 20 साल बाद कि हमारे चाचू ने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, हमारे बचपन कैप्चर कर लिया, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली मैटर है ना कुछ। रू है ना, तुम्हें माथा का झाला बनना ना वीडियो आपकी है ना। इन बच्चे लोग को भी पता है कि कैमरा इज समथिंग वेरी स्पेशल, तो जैसे कैमरा शुरू हो जाता है लोगों का नखरा शुरू हो जाता है ना। तो ये है केक, ये आधा हिस्सा चाचू का, ये छोड़ना खाएगा ये वाला वाला, लो ये चाचू का, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अपन चाचू भतीजे कितना मजा करते हैं ना, मैं बहुत थोड़ी पार्टी करता हूँ, ये होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है मोन 7th cloud। इस लॉकडाउन में इस केक का मजा लेने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। हमारी छोटू का भी नाम खुशी है ना। अभी मेरी वाइफ बिहार में अपने मायके में, तो हम लोग का कॉलिंग चल रहा है, वीडियो कॉल।
अभी हम लोगों ने बहुत दिनों से साथ में कुछ खाया पिया नहीं। ये जनवरी 10 को गई, ये जनवरी 11 को, और मेरा प्लान था इसको जाके लेके आने का, लेकिन अभी सब लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो अभी हम लोग साथ में पानी पियेंगे। चल रहा है पिया पिया पिया। ये हमारा ब्यूटीफुल मोमेंट हमने कैप्चर कर लिया भाई। ये देखे इधर शितु महाराज भी, इधर ये शितु महाराज नहीं है, ये शैतान शीतल है, शैतान शीतल। फाइनली वीकेंड शुरू हो गया, सैटरडे, अभी बज रहे दोपहर के 1, और जो कहानी अभी 10-15 दिन पहले शुरू हुई थी, फ्री राशन सब बोल रहे थे, तो हमें चावल मिला है 20 किलो। मेरी मॉम से मैंने डिस्कस किया, तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि 20 किलो में से 10 किलो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिन लोगों को ज़रूरत है, हमारे घर के आसपास ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उन ज़रूरतमंद लोगों को देंगे। तो इस चीज़ का तो व्लॉग वगैरह मैं बनाऊंगा नहीं कि जाके दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों से भी हो सके तो आप लोग भी करें। और आज सैटरडे संडे फुल वीकेंड है, फुल धमाले, फुल मस्ती, फुल छुट्टी है, तो हम लोग फुल मज्जा करेंगे, है ना खुशी? मज्जा करो ना, अपन कितनी मज्जा करो, लई मज्जा, एवढी मज्जा दाखव, केवढी मज्जा, एवढी एवढी मज्जा करो आपण, एवढी मज्जा, एवढी। पापा दे, पापा दे। अभी हो रहे दोपहर के 3:15, अभी मेरा भाई गया वो तो मार्ट था वहाँ पर ग्रोसरीज वगैरह सारी चीज़ें लेने, मतलब पूरे घर के लिए। मैं आया था मेरे भाई को छोड़ने के लिए, राइस लेके आया था मैं, जो तांदूल बोलते हैं मराठी में, वो लेके आया था। हम लोगों को 20 किलो मिला था, तो मेरी मम्मी बोली 15 किलो लेके जाओ और 5 किलो रहने दे अपने को। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया मैंने, मैं जो लोगों को दे रहा हूँ वो तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगा, आई डोंट फील इट्स गुड। मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम फील कर रहा हूँ, या जो उसके बाद फील कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों से भी हो सकता है तो आप लोग करो। और अभी जस्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक फैमिली थी उन लोगों को दिया, और मांग रहे हो लोग, और मांग रहे। मैंने बोला सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, और भी लोगों को देना है, मैं सारी चीज़ें यहाँ बांट दूंगा तो दूसरों को क्या दूंगा। और हाँ, एक चीज़ घर से निकलते टाइम में ये 1 kg का ये भी लेकर आए हो अपने साथ, ये थोड़ा वो लेते टाइम में मुझे ऐसी भी आई थी, लेकिन इससे क्या होगा, इससे हर एक में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक को जितना चाहिए उतना मिलेगा, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। अभी मैं एक जगह पे देने गया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो लोग बोल रहे हैं मेरे को कि सिर्फ चावल दे रहा है, दाल नहीं है, ये नहीं है, पानी नहीं है, क्या हम लोग किसके साथ खाए। सिंपल कहा कि किसी किसी को ये भी नहीं मिल रहा है। अभी जैसा हम हो गया, हमको जो मिल रहा है हम उसमें कुछ नहीं, हमको और चाहिए। अभी हमको घर का खाना मिल रहा है तो हमको घर का खाना नहीं चाहिए, हमको बाहर पिज्ज़ा चाहिए, वड़ा पाव चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो क्यों हम लोग ऐसे टाइम में जो है उसमें कुछ नहीं रह सकते, जो है मिल रहा है उसमें तो हम गुजारा कर सकते ना। उनको मैंने ये चावल दिया, अब वो पका करके खा सकते। कुछ कुछ लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, मैंने देखा न्यूज़ में कि कुछ लोग रस्ते का गला सड़ा केला उठा के खा रहे, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मुझे भी सारी चीज़ें हैं घर पर खाने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरा दिल कर रहा है कि तंदूरी हो खाने के लिए, वड़ा पाव हो। मैंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन पे बोला भी कि यार बहुत वड़ा पाव को मिस कर रहा हूँ, काश वड़ा पाव समोसा पाव खाने के लिए मिल जाए कहीं से। दैट्स द प्रॉब्लम, जो है उसमें क्यों नहीं खुश रह पा रहे हम, मैं, आप या कोई भी बोलो। बस यही चीज़ थी मुझे लगी बोलनी है। अभी देखते, अभी भी बचा हुआ है, अभी भी शायद 10 किलो तो बचा ही होगा, तो देखते अभी आगे कहाँ मिलता है कोई तो उनको दूंगा मैं। फाइनली सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया हूँ मैं, और एक अलग सा शांति महसूस हुआ यहाँ पर, एक अलग सी गुड फीलिंग, एक अलग सा शांति महसूस हुआ। हम लोगों को एक्चुअली ये करना चाहिए अगर हम लोग कर सकते हैं तो, क्योंकि कभी तक ऐसा करते रहेंगे, है ना, ऊपर वाले से हम हमेशा ऐसे करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। कभी कभी ऐसा करने में भी एक अलग मज़ा आता है, एक अलग शांति, एक अलग सुकून मिलता है। क्या है यार, ये वीडियो को इधर ही ख़त्म कर दूंगा, व्लॉग समाप्त। हाँ, वहाँ पर वो कौवा है, वो रोज़ आता है घर के बाहर, और वहाँ से मेरी मम्मी का आवाज़ देता है काव काव करके, उसको चावल रोटी पानी ये सब चाहिए होता है, और मेरी मम्मी देती है उसको क्या इकते हो, और रोज़ ये तो क्या टाइम आना है क्या मांगते हो खाएगा। मेरी माँ का ऐसा बिलीव है कि उनके मम्मी पापा है जो आके आवाज़ देते हैं, और फिर मेरी माँ खाना देती है उनको, फिर वो लोग आते हैं खाते हैं, और फिर दूसरे दिन आते हैं, रिपीटेटिव प्रोसेस एवरी डे। हाँ भर ले जाए, इसके तरीके खाते हैं।